फर्स्ट टाइम मूवी में काम किया, फर्स्ट टाइम एक्टिंग करी, बहुत अच्छा लगा. कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ. थोड़ी थोड़ी हंसी आई बट सब लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे और अच्छा लगा. इन ऑल काफ़ी मज़ा आया और थैंक्स टू सत्यम एंड सागर कि उन्होंने मुझे एलिजिबल माना इस रोल के लिए. रियली ग्लैड एंड ऑल, इट वॉज रियली गुड फन. मेरा एक्सपीरियंस अब नया कुछ करने को सीखना था जो इनके साथ मुझे सीखने को बहुत मिला. मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग कभी करूँगा बट देखो आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा भी फर्स्ट काम था इन लोगों के साथ, तो पता चला कि क्या कितनी मेहनत लगती है एक मूवी बनाने में. और मज़े भी बहुत आए. कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती थी जहां पर हम ना शूट कर पाते थे और ना ही शूट को बंद कर पाते थे, तो काफ़ी फनी मोमेंट्स आए हैं जो आप बिहाइंड द सीन्स में तो देख ही सकते हैं. बट जो असली मज़ा होता है सीन का, वो सीन में तो पता नहीं चल सकता है, वो ऑन स्टेज ही पता चल सकता है. तो मैं विश करता हूँ कि हमारी मूवी आपको पसंद आए और हमारा काम भी स्पेशली पसंद आए आपको भी और हमारे डायरेक्टर्स को भी, तो अगली मूवी में भी चांस मिलेगा. मूवी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जब फर्स्ट टाइम अब मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सारी रियल सिचुएशन है और इस पर काम करके एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली है. जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम बारीकी से की जाती है पर हम उस पर इतना गौर नहीं करते. अब जब मूवी बनती है तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिली. एक एक एक्शन के पीछे काफ़ी मेहनत की जाती है तब वो जाके सीन पूरा सक्सेसफुल होता है और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने मिली है और जो क्राउड था काफ़ी सपोर्टिव था. डायरेक्टर्स आर गुड. जैसे हमने फर्स्ट टाइम एक्टिंग करी है वैसे ये भी उनकी सेकेंड ही मूवी है. वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे हैं एंड इट्स रियली गुड. मतलब वो कोई ट्रेन तो नहीं है बट स्टिल उनका काम करने का तरीका इट्स क्वाइट प्रोफेशनल. डायरेक्टर सारे एकदम नंबर, एक हीरोइन नंबर, सारे हमारे बस मज़े लेते हैं. कहीं नहीं बहुत समझाते हैं, बढ़िया समझाते हैं आपको, सीधी सीधी बात बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा चार बार समझाते हैं. बट ये अच्छा है कि ढिलवाई में सारी चीज़ें समझाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा और फिर वो तो है ही हेल्प करने का. हमारे डायरेक्टर साकार एंड सत्यम वो काफ़ी ही फनी किस्म के इंसान हैं. वो हर छोटी छोटी बात पे भी हंस सकते हैं और हर छोटी बात को सीरियस भी बना सकते हैं, तो काफ़ी टैलेंटेड भी है, ऐसी बात नहीं है. अभी मूवी देखोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा. इनकी पिछली मूवी भी काफ़ी अच्छी हिट रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके. मैं चाहूँगा कि मुझे अगली बार भी मौका मिले. हमारे डायरेक्टर्स काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी फनी है और आप लोग नोटिस करेंगे फिल्म में भी. और बिहाइंड द सीन्स तो उन्होंने इतनी कॉमेडी की जितनी फिल्म में भी नहीं होगी, तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा. राशि एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो अपने डैड की बहुत बात मानती है, अपने डैड की बहुत मानती है और उनके कहने पर चलती है. उसके तीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो उसकी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाते हैं और उसकी छोटी सी दुनिया है, उसके डैड, उसके फ्रेंड्स, बस कोई फालतू के नखरे नहीं है. बहुत ही अच्छी एकदम कन्फाइंड लड़की है. हाय, मैं पाटिल. मैं अपने मिजाज के तौर पे ही हमेशा सिचुएशन को लाइट रखने के कि हमारे सर भी हेवी ना हो ना ही कोई दूसरे पे हेवी हो पाए, बस आराम से सबका चलता रहे. इस मूवी में मेरा रोल ऑन स्क्रीन तो काफ़ी छोटा सा रोल है, मैं बस एक न्यूज़ रिपोर्टर का रोल अदा कर रहा हूँ. बट बिहाइंड द स्क्रीन्स में मेरा काफ़ी रोल है. इसमें शूटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों में मेरा हाथ है और मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें सीखी भी इस चीज़ में और काफ़ी मज़ा भी आया इस मेरे रोल को निभाने में. एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑन स्क्रीन आने की. मेरा रोल इस मूवी में विक्रम का है. विक्रम की राशि से शादी होने वाली है. विक्रम एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और उसका रोल बहुत ही देखने लायक है.